हेलो स्टूडेंट, स्वामी केशवानंद महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं बलराम सिंह सारण केमिस्ट्री लेक्चर आपके लिए पढ़ा रहा हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बीएससी सेकंड ईयर के लिए, उसकी हम सेकंड यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है, सेकेंड यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजक यौगिक। तो हम जिसके बारे में अध्ययन करेंगे अब, वो सभी होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसह संयोजक यौगिक। तो इनका अध्ययन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इनकी परिभाषा देखते हैं कि इनकी परिभाषा क्या होती है। तो इनकी परिभाषा होती है कि वे यौगिक जिनमें धातु व लिगेंड के मध्य उपसह संयोजक बंध पाया जाता है, उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। देखते हैं उपसह संयोजक यौगिक परिभाषा है इसकी। वे यौगिक जिनमें धातु एवं लिगेंड के मध्य उपसह संयोजक बंध पाया जाता है, उपसह संयोजक यौगिक कहलाते हैं। अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि ये उपसह संयोजक बंध क्या है। वैसे आपने पहले पढ़ रखा है लेकिन फिर भी समझा देते हैं कि ये उपसह संयोजक बंध क्या है। आपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पढ़ी होगी, इलेक्ट्रॉन का साझा, एक बार देखते हैं उसको। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग यानी कि इलेक्ट्रॉन साझा। आपने देखा होगा कि दो परमाणुओं के मध्य एक सहसंयोजक बंध बनता है। किससे बनता है? दोनों परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साझा करने से। एक सहसंयोजक बंध का निर्माण किस प्रकार से होता है तो हम देखते हैं कि मान लो ये ए है और ये बी है। इस ए के बाह्यतम कक्ष में ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसी प्रकार से इसके बाह्यतम कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, किसके लिए, ये अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए इन एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, जिससे कि इनके भी इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाए और इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाए और इनके मध्य एक बॉन्ड बन जाता है, जिसे बोलते हैं हम सहसंयोजक बंध। क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंध। तो ये क्या करेंगे, ए व बी दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में दे देंगे। तो इनसे एक बंध बनेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक बंध का निर्माण हो गया और इस बंध को बोलेंगे हम सहसंयोजक बंध। क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंध। अब एक और होता है कि कुछ संक्रमण धातुएं होती हैं उनमें रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं। तो बनाते हैं हम कंपाउंड ए बी के रेस्पेक्ट में बनाते हैं कि हम ए लेते हैं, तो मानते हैं इस ए के पास में एक खाली कक्षक है, इसके पास क्या है, खाली कक्षक है, जबकि एक बी है और इसके पास में ये दो इलेक्ट्रॉन हैं। क्या है? इसके पास में ये दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पर भी ये एक बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, बॉन्ड बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या साझा एक ही तरफ से होगी। यहाँ पर साझा होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से, कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखना कि ए व बी के बीच में बॉन्ड बन गया, दो इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए बॉन्ड में और दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आ गए, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर है कि इसके पास जो इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं से एक एक इलेक्ट्रॉन आया है, जबकि यहाँ पर एक परमाणु से दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, जबकि दूसरे ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। क्या किया है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो इस प्रकार से जो बंधन होता है जिसमें एक ही दो जो बंधन के लिए जो इलेक्ट्रॉन आवश्यक हैं वो एक ही परमाणु के द्वारा दिए जाएं, तो इस प्रकार के बंधन को बोलते हैं उपसह संयोजक बंध।
यहां पर हम इसे किस प्रकार से व्यक्त करते थे? इसे करते थे ए बी, जबकि यहां पर हम इसे व्यक्त करेंगे एरो से। जो उपसह संयोजक बंध होगा उसे हम एरो से व्यक्त करेंगे, और एरो में जो तीर का निशान है वो हमें बताएगा कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन आए हैं, यानी कि ए को इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसने? बी में, बी ने। तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसकी तरफ तो एरो की पूंछ होगी, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसकी तरफ तीर का निशान होगा। तो इस प्रकार से एरो के द्वारा उपसह संयोजक बंध को दर्शाया जाता है, और यह एक उपसह संयोजक बंध होता है। जो किनके बीच में बनता है? जो बनता है संक्रमण धातु और लिगेंड के बीच में। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, वो ज़्यादातर या सामान्यतः कौन होता है? संक्रमण धातु तत्व होते हैं। क्या होते हैं? संक्रमण धातु तत्व। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, प्रदान कर रहा है, वो होता है लिगेंड। तो एक बार अब इसे हम, ये आपके समझ में आ गए होगा कि सह संयोजक बंध और उपसह संयोजक बंध में अंतर क्या है। सह संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की दोनों तरफ से शेयरिंग हो रही है, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिर्फ एक तरफ से हो रही है, यानी कि एक के द्वारा ही हो रही है। अब जो ये बंध होता है उपसह संयोजक बंध, वो किनके बीच बनता है? वो बनता है ट्रांजिशनल मेटल, यानी कि संक्रमण धातु, यानी कि मान लेते हैं ये कोई ट्रांजिशनल मेटल है जिसे हमने M से दर्शाया है। क्या है? ट्रांजिशनल मेटल है। इसके पास में ये रिक्त कक्षक उपस्थित है, और ये L से दर्शाया है हमने एक लिगेंड, और इस लिगेंड के पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, लोन पेयर समझ लो, इनको लोन पेयर हैं। तो ये क्या करेगा? ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेगा। इस प्रकार से पूर्णतया स्थानांतरण नहीं होगा, सिर्फ शेयरिंग होगी। क्या होगी? सिर्फ शेयरिंग या साझा होगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, और इनके बीच में क्या बन गया? उपसह संयोजक बंध बन गया। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा एसिड बेस में एक कॉन्सेप्ट आता है, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एसिड क्या होते हैं? तो उसके अनुसार एसिड होते हैं लुईस एसिड कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ट्रांजिशनल मेटल होती हैं वो क्या करती हैं। ट्रांजिशनल मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही हैं। क्या कर रही हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही हैं। तो हम ट्रांजिशनल मेटल को उपसह संयोजक बंध के दौरान क्या बोलेंगे? इसे हम लुईस एसिड, यानी कि लुईस अम्ल भी बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं। इसी प्रकार जो लिगेंड होता है उसे हम लुईस बेस या लुईस क्षार भी बोलते हैं। और जो ये क्या है हमारी, ये मेटल है, और ये क्या है हमारा? लिगेंड है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि मेटल व लिगेंड के बीच में क्या बनता है। मेटल व लिगेंड के बीच में बनेगा उपसह संयोजक बंध। तो इस प्रकार ये इसकी परिभाषा होती है कि वे यौगिक जिनमें धातु एवं लिगेंड के मध्य उपसह संयोजक, यानी कि इस प्रकार का बंध पाया जाता है, उपसह संयोजक यौगिक होते हैं। अब ये बंध या फिर इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो अकार्बनिक रसायन यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, और जो कार्बन के रसायन होते हैं यानी कि जिनमें कार्बन पाया जाता है वो कार्बनिक रसायन होते हैं। तो उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनको हम कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, इनको हम अकार्बनिक यौगिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, अब हमें उन्हें पढ़ना है कि वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हमें देखना है कि अकार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अकार्बनिक यौगिक हैं वो तीन प्रकार के हैं। सबसे फर्स्ट पहला है साधारण लवण, कौन से होते हैं? साधारण लवण होते हैं।
दूसरे होते हैं द्विक लवण, दूसरे क्या हुए द्विक लवण हुए, और जो तीसरे प्रकार के होते हैं वो होते हैं उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। उपसह संयोजक या संकुल यौगिक तो तीन प्रकार के हैं। अकार्बनिक यौगिक साधारण लवण है, इनका निर्माण किससे होगा, इनका निर्माण एसिड बेस की उदासीनीकरण अभिक्रिया से होगा। द्विक लवण का निर्माण किससे होगा, साधारण लवण मिलकर द्विक लवण बनाएंगे। और जो अपसह संयोजक उपसह संयोजक यौगिक हैं, संकुल यौगिक हैं, जिनका निर्माण ट्रांजिशनल मेटल से होगा। अब किस किस प्रकार से होते हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम एक एक करके पढ़नी है। और हम सबसे पहले पढ़ेंगे साधारण लवण। क्या पढ़ेंगे, साधारण लवण। अकार्बनिक यौगिक हैं, इनमें सबसे पहला कौन सा है, साधारण लवण है। तो जो साधारण लवण है वो किससे प्राप्त हो रहे हैं, ये अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। और इनके एग्जाम्पल हैं NaCl है, KCl है, K2SO4 है, MgCl2 है। अब जो उदासीनीकरण अभिक्रिया वैसे आप इसे जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर समझा देते हैं कि ये किस प्रकार से होती है। हम एक एग्जांपल है NaCl, इसके लिए देखते हैं किसके बीच रिएक्शन होती है, अम्ल व क्षार के बीच। ये NaOH है, क्या है, क्षार है। NaOH क्या है, क्षार है। ये रिएक्शन करता है किससे, HCl से, और HCl क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है HCl। जल में इनकी अभिक्रिया हुई, एक्वस सॉल्यूशन में हुई। तो इनकी जब अभिक्रिया होगी तो इसके क्या होगा, अभिक्रिया में, अभिक्रिया में हमें लवण प्राप्त होगा, और इस अभिक्रिया को बोलेंगे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्या प्राप्त हुआ हमें, NaCl प्लस H2O, और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जहां पर हमें क्या मिला, ये लवण मिला। और इन लवणों को क्या बोलते हैं, अकार्बनिक यौगिक। तो जो साधारण लवण है वो किससे मिलेंगे, अम्ल व प्रबल, अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होंगे। इनके जो एग्जांपल हैं NaCl आपने देख लिया, इसी प्रकार KCl मिलता है, K2SO4 मिलता है, MgCl2 मिलता है। इन एग्जांपलों को आप याद कर सकते हो। अब आगे देखते हैं, यदि इनका जल अपहरण करवाया जाए, जो साधारण लवण दिए हुए हैं, यदि हम इनका जल अपहरण करवाया जाए तो इनके जल अपघटन में क्या होगा, ये पूर्ण आयनित हो जाते हैं। किसमें, यदि इनका जल अपघटन करवाया जाता है तो ये पूर्ण आयनित हो जाते हैं, तथा एक प्रकार के धनायन व एक प्रकार के ऋणायन देते हैं। क्या बोला हमने, कि यदि NaCl का जल अपघटन करवाया जाए, ये NaCl है, NaCl का क्या करवाना है हमें, जल अपघटन करवाना है। हमने क्या कहा, यदि इनका जल अपघटन करवाया जाता है तो ये पूर्ण आयनित हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से आयन हैं, दो आयन हैं, एक तो सोडियम आयन है और एक क्लोराइड आयन है। तो क्या देंगे ये, एक प्रकार के धनायन व एक प्रकार के ऋणायन देंगे। देखते हैं क्या देंगे, सोडियम प्लस, क्लोरीन माइनस। तो इस प्रकार से ये आयन देते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं KCl को, तो KCl क्या देगा, KCl देगा हमें पोटेशियम प्लस, क्लोरीन माइनस। इसी प्रकार K2SO4 K2SO4 ये क्या देगा, MgCl2 को देखते हैं, ये क्या देगा, तो इस प्रकार से साधारण लवण हैं उनका जल अपहरण करवाएंगे तो ये पूर्ण आयनित होंगे, और पूर्ण आयनित होने पर क्या देंगे,
एक धनायन देंगे, एक ऋणायन देंगे, सिर्फ क्या एक धनायन एक ऋणायन देते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनका जल अपघटन देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे द्विकलवण, क्या देखेंगे द्विकलवण देखेंगे। तो देखते हैं द्विकलवण, यदि आपको इनके नोट्स बनाने हैं तो आप इनके नोट्स बनाएंगे कैसे, ये परिभाषा लिखनी है, उसके जस्ट बाद में आपको ये लिखना है अकार्बनिक यौगिक, इनके प्रकार लिखने हैं तीनों, उस तीनों प्रकार के बाद में आपको साधारण लवण लिखना है और साधारण लवण में जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो लिखना है, उसके बाद पढ़ना है क्या द्विकलवण। तो देखते हैं द्विकलवण के बारे में। तो ये जो द्विकलवण होते हैं ये क्या होते हैं, ये साधारण लवणों से बनते हैं। अब साधारण लवण कौन से होने चाहिए, तो साधारण लवण ऐसे होने चाहिए जिनमें कि ऋणायन समान हो, क्या हो समान। तो हम कह सकते हैं कि दो समान ऋणायन वाले लवणों के संयोजन से बने लवण को द्विकलवण कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है कि दो समान ऋणायन वाले लवणों, यानी कि जो साधारण लवण थे, क्या थे साधारण लवण थे, वो कैसे होने चाहिए, यदि दो साधारण लवण मिलकर क्या बना रहे हैं द्विकलवण बना रहे हैं, तो उसके लिए दोनों जो साधारण लवण हैं उनमें जो ऋणायन है वो समान होना चाहिए और जो धनायन है वो असमान प्रकार का होना चाहिए। अब इसके हम एग्जाम्पल देखें तो इसके जो फेमस एग्जाम्पल हैं वो हैं कॉर्नेलाइट है, मोहर लवण है और फिटकरी है। अब इनके एग्जाम्पलों में देखते हैं हम कि जो कॉर्नेलाइट है उसमें एक तो KCl लवण है और दूसरा MgCl2 लवण है। क्या है, KCl साधारण लवण है, MgCl2 साधारण लवण है और इसमें 6 अणु किसके हैं जल के हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक तो KCl है हमने क्या कहा कि जो दो हमने साधारण लवण लिए हैं उन साधारण लवण में क्या होना चाहिए ऋणायन समान होना चाहिए। ऋणायन क्या है Cl है, ऋणायन क्या है Cl है, धनायन क्या है पोटेशियम है मैग्नीशियम है जो कि दोनों में अलग अलग है। तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये मिलकर द्विकलवण का निर्माण कर रहे हैं। इनमें क्या है, इनमें दो समान ऋणायन हैं। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है मोहर लवण, इसमें क्या है फेरस सल्फेट है अमोनियम सल्फेट के साथ, फेरस सल्फेट एक साधारण लवण है, दूसरा अमोनियम सल्फेट एक साधारण लवण है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं मोहर लवण बनाते हैं। इसी प्रकार फिटकरी भी इसी प्रकार से बनती है। तो ये तीनों आपको याद रखने तीनों एग्जाम्पल। आगे देखते हैं कि हमने क्या कहा था कि जब साधारण लवण का हम जल अपघटन करवाते हैं तो वह पूर्ण आयनित हो जाते हैं और एक प्रकार के धनायन और एक प्रकार के ऋणायन देते हैं, कौन साधारण लवण। अब यदि हम बात करें द्विकलवण की तो द्विकलवण भी जल अपघटन कराने पर पूर्ण अपघटित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं पूर्ण अपघटित हो जाते हैं और क्या देते हैं पूर्ण अपघटित होने पर तीन प्रकार के आयन देते हैं, क्या देते हैं तीन प्रकार के आयन देते हैं जिनमें से दो तो होंगे धनायन और एक होगा ऋणायन। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर दो धनायन हैं और एक प्रकार का ऋणायन है। देखते हैं किस प्रकार से देते हैं। सबसे पहले हम कॉर्नेलाइट को देखते हैं, यदि इसका जल अपघटन करवाया जाए तो इससे हमें तीन प्रकार के आयन मिल रहे हैं, कौन कौन से, दो धनायन मिलेंगे, क्या पोटेशियम मिलेगा Mg+2 मिलेगा और ऋणायन के रूप में क्या मिलेगा क्लोरीन आयन मिलेगा। इस प्रकार से हमें इसे तीन प्रकार के आयन मिल रहे हैं, किससे कॉर्नेलाइट से। अब देखते हैं मोहर लवण से, इससे क्या मिलेंगे, इससे भी हमें तीन प्रकार के आयन मिलेंगे, दो धनायन एक ऋणायन। दो धनायन कौन कौन से होंगे, Iron+2, अमोनियम आयन और एक ऋणायन मिलेगा
SO4-2। इसी प्रकार हम देखते हैं फिटकरी को, यदि हम इसका जलपन करवाएंगे तो भी हमें तीन ही आयन मिलेंगे, कौन कौन से, पोटेशियम, एल्युमिनियम और सल्फेट आयन। तो इस प्रकार से हम इनका जब जलपन करवाते हैं तो हमें तीन प्रकार के आयन मिलते हैं, जिनमें दो धनायन व एक ऋणायन होता है। अब यदि हम बात करें कि इनके जो जलीय विलयन होता है इन लवणों का, उसमें यदि हम इनके आयनों का परीक्षण करें, क्या करें, आयनों का परीक्षण करें, तो क्या मिलेगा हमें, सभी आयन अपना परीक्षण देते हैं। यदि हम इसमें पोटेशियम के लिए परीक्षण करेंगे, चूंकि पोटेशियम आयन इसमें उपलब्ध है, उपस्थित है, तो क्या होगा, ये परीक्षण देगा पोटेशियम आयन का, ये मैग्नीशियम आयन का परीक्षण देगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो द्विक लवण होते हैं वो जलपन कराने पर पूर्ण अपटित होते हैं और दो प्रकार तीन प्रकार के आयन देते हैं, जिनमें दो धनायन व एक ऋणायन होता है। और क्या बोला हमने इसके लिए, इसके लिए बोला कि ये जल में विलय होने पर सभी आयनों का परीक्षण देते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गए द्विक लवण। अब आते हैं उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक, जो कि हमारा ये चैप्टर है और ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो अब इनको अब जो ये उपसह संयोजक या संकुल यौगिक होते हैं, इनका जो निर्माण होता है वह भी द्विक लवण की तरह ही होता है। किससे, द्विक लवण की तरह साधारण लवणों से इनका निर्माण होता है, लेकिन इनमें मुख्य अंतर क्या होता है, मुख्य अंतर इनमें होता है जल अपघटन का। ये जल अपघटन में पूर्ण आणित नहीं होते, देखते हैं उससे इसको कैसे। उपसह संयोजक या संकुल यौगिक, इनका निर्माण भी द्विक लवण की तरह साधारण लवणों के संयोजन से होता है। अब कहें कि संकुल यौगिकों का जल अपघटन करवाने पर ये पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, अर्थात संकुल आयन के रूप में रहते हैं तथा जल में विलय होने पर सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। एक एग्जाम्पल है, ये लिखा हुआ है बोर्ड पर, इसको देखते हैं। यदि हम इसको इसका जल अपघटन करवाएं तो किस प्रकार से होगा, तो ये हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। कुछ इस प्रकार से हमें दो आयन मिलेंगे, इसके क्या मिलेंगे, दो आयन मिलेंगे। इनमें से जो हमें फिर जो हमें दिखाई दे रहा है आयरन वो और साइनाइड आयन, ये आयन आपस में अपघटित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये एक संकुल आयन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, संकुल आयन बना रहे हैं, और संकुल आयन आगे जल अपघटित नहीं होता है। तो इस प्रकार इनसे दो प्रकार के आयन मिलते हैं, क्या मिलेंगे, दो आयन मिलते हैं। संकुल यौगिकों का जलपन करवाने पर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। पूर्ण आयन कब होता, जब इसमें हमें पोटेशियम भी मिलता, आयरन का आयन भी मिलता और हमें साइनाइड का आयन मिलता, तब तो बोलते हैं हम क्या, तब हम बोलते हैं कि इसका पूर्ण जलपटन हुआ। लेकिन हमें ये नहीं मिले, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका पूर्ण जलपटन नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ एक आयन का, ये सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम आयन का परीक्षण देंगे। यदि इनके जल में आयन परीक्षण किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक पोटेशियम आयन का परीक्षण देंगे। इस चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी में, एक एग्जांपल लेंगे वर्नर थ्योरी को समझेंगे, तब आपकी समझ में आएगा किस प्रकार से ये होता है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि जल में विलय होने पर सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। अब आयनन के आधार पर जो संकुल यौगिक होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। अब ये चार प्रकार कौन कौन से हैं तो देखते हैं। सबसे पहला है सरल धनायन तथा संकुल ऋणायन, जो कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर जो इसका जलपन करवाने पर हमें जो आयनन करवाने पर जो आयन प्राप्त होंगे उनमें क्या प्राप्त होंगे, उनमें हमें साधारण धनायन प्राप्त होगा। पोटेशियम क्या मिला हमें, जो ये पोटेशियम मिला है वो क्या है, वो साधारण है, साधारण
धनायन है, जबकि हमें जो ये आयन मिला है, संकुल आयन मिला है, ये क्या है? ये एक संकुल आयन है और कैसा है? ऋणायन है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमें संकुल ऋणायन मिला है। क्या मिला है? संकुल ऋणायन मिला है। तो इस प्रकार से हमें सरल धनायन मिलेगा तथा संकुल ऋणायन मिलेगा, इसका एग्जाम्पल ये हो गया। इसी प्रकार देखते हैं कि हमें संकुल धनायन मिले, क्या मिले? संकुल धनायन मिले तथा सरल ऋणायन मिले, ये एग्जाम्पल जो दिया हुआ है। ये किसका एग्जाम्पल है? यहाँ पर आपको ऋणायन के रूप में ये मिलने वाला है, ऋणायन मिल जाएगा। तो जो कोड जो संकुल होगा वो आयन होगा और वो कैसा होगा? वो धनायन होगा। तो हम कह सकते हैं कि संकुल धनायन तथा सरल ऋणायन, यानी कि जो बड़े ब्रैकेट में बंद है वो जलघटित नहीं होगा, ये संकुल है। इसी प्रकार अगला देखते हैं, उदासीन संकुल। उदासीन संकुल कौन से होंगे? जिनमें ना तो साधारण धनायन मिलेगा और ना ही साधारण ऋणायन मिलेगा। यहाँ पर देखते हैं कि ये सभी किस में बंद हैं? बड़े ब्रैकेट में बंद हैं, संकुल आयन है। तो ये संकुल है, ये उदासीन होगा, इस पर कोई आवेश नहीं है और इसको जलपट्टी करवाना चाहे तो अपघटन आगे नहीं होता है। इसी प्रकार अगला देखते हैं कि संकुल धनायन तथा संकुल ऋणायन, यानी कि यदि इनको जलपट्टित करवाया जाए तो जो धनायन प्राप्त होगा वो भी संकुल होगा और जो ऋणायन प्राप्त होगा वो भी संकुल होगा। तो इस प्रकार से ये हो जाते हैं हमारे उपसह संयोजक या संकुल यौगिक। इनके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। अब इनके बारे में हम अगली जो क्लास होगी हमारी उसमें हम वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और उपसह संयोजक यौगिकों के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं, उन शब्दों के बारे में हमें पढ़ना है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।